तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आजकल जो मॉडिफिकेशन का ट्रेंड है ना भाई, वो पीक पर चल रहा है भाई। लोग गाड़ी लेकर के उसके ऊपर भाई रैप करवाते हैं, अलॉय व्हील्स लगवाते हैं भाई, मतलब एक बढ़िया से बढ़िया भाई गाड़ी को लुक देने की भाई कोशिश करते हैं, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर भाई वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। और भाई अब जो कंपनी वाले हैं ना, इस ट्रेंड को समझ चुके हैं। अब भाई वो चाहते हैं कि भाई वो काम कोई भी भाई बाहर आफ्टर मार्केट से ना करवाए। भाई कंपनी ही आजकल क्या करती है, सारी चीज़ खुद ही ऑफर करने लग गई है। पहले भाई डार्क एडिशन लॉन्च करने लगी थी कंपनी, बिल्कुल ब्लैक कलर की भाई सारी थीम देती थी, जो कि लोग बाहर जाकर ये करवाते थे। अब भाई कंपनी ने क्या करा, भाई नार्डो ग्रे कलर भाई लोग बाहर जाके करवाते थे, तो भाई हुंडई ने वेन्यू एन लाइन के अंदर ये कलर लॉन्च कर दिया था भाई। इसको शेडो ग्रे नाम से बोला गया भाई हुंडई के अंदर। भाई कितनी तगड़ा इसका भाई लुक आ रहा है ना भाई, कसम से लोग जो बाहर जाकर के चीज़ करवाते थे ना, वो आजकल भाई हुंडई या फिर और जो कंपनियाँ हैं वो करके दे रही है। यहाँ पर भाई आप सामने देख सकते हो भाई, ये वेन्यू एन लाइन है, जिसमें आपको भाई फ्रंट से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई आपको DRLs मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED सेटअप दिया गया है भाई यहाँ पर पूरा। यहाँ पर भाई आपको क्रोम देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक क्रोम बोलते हैं हम इसको। एन लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी बीच में, हुंडई की बैजिंग। ये क्रोम है ना आंखों में चुभता नहीं है। यहाँ पर भाई रेड कलर के इंसर्ट्स देखे हैं, बहुत मिनिमल्स हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं भाई। इसका लुक है ना भाई बहुत सही लग रहा है एन लाइन के अंदर। यहाँ पर भाई आपको छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया, रेड कलर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील का डिज़ाइन भाई कुछ ऐसा मिल जाएगा, बीच में एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है। बात करें टायर साइज़ की, भाई इसमें आपको 215/60 R16 inches के टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा। भाई टायर की जो विड्थ था वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भाई क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर की एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर। और भाई जो यहाँ पर ORVMs है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल सारी चीज़ें हैं भाई, ब्लैक कलर के अंदर दी गए हैं। यहाँ पर भाई साइड में आपको क्लैडिंग्स के ऊपर रेड कलर के इंसर्ट्स मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर भाई ग्लोसी ब्लैक फिनिश है, कहीं कहीं पर भाई मैट ब्लैक फिनिश दी गई है भाई, जो कि एक ओवरऑल लुक को भाई काफ़ी बढ़िया बना रही है। यंगस्टर्स को भाई ये गाड़ी है ना बहुत बढ़िया लगने वाली है। और जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है भाई वो भी तगड़ा है, ऐसी बात नहीं है। एक जो कंपनी वाली जो फील आती है ना वो भाई आ रही है इसमें। आपको भाई चारों ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ऊपर भाई रूफ रेल्स दी गई हैं, वो भी भाई ग्लोसी ब्लैक में रेड इंसर्ट्स के साथ दी गई है। भाई पूरी स्पोर्टी लुक दी गई है इस गाड़ी को। यहाँ पर भाई ए पिलर भी आपको ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, बी पिलर भाई आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। और बात करें भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, इसमें भाई आपको 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात करें व्हील बेस की, भाई 2500mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्लोसी ब्लैक में दिया गया है। वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है भाई, डीफोगर है। और भाई ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, साथ ही भाई हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और भाई बात करें लेंथ की, जैसे 4 मीटर के अंदर आती है तो 3995mm की लेंथ मिल जाती है। बात करें विड्थ की, इसमें आपको भाई 1770mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। हाइट की बात करें 1617mm की हाइट देखने को मिल जाती है। रियर में भाई यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं कनेक्टेड फीचर्स के साथ। बीच में भाई हुंडई की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। बात करें भाई यहाँ पर नीचे आपको मैट ब्लैक कलर की फिनिश देखने को मिल जाएगी और रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में भाई रेड इंसर्ट्स मिल जाएंगे सिल्वर सेटिन फिनिश के साथ, स्किड प्लेट्स। साथ ही में भाई एग्जॉस्ट जो दिए गए भाई यहाँ पर 2 मफलर दिए गए हैं, और भाई दोनों ही वर्किंग है यहाँ पर। और जो साउंड है इसकी वो भी भाई काफ़ी बढ़िया दी गई है, एकदम मस्त। यहाँ पर भाई आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। और साथ ही में भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग भी आपको देखने को मिल जाती है भाई यहाँ पर। और भाई आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसी लगी है वेन्यू एन लाइन। यहाँ पर बात करें भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है भाई। आपको सिर्फ पेट्रोल में ही ऑफर करी जाती है वेन्यू। बात करें रियर डोर्स पर, यहाँ पर भाई पूरे ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल से लेकर के सब कुछ ही आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। लेदराइट फिनिश मिल जाएगी, जो स्टिचिंग है भाई वो रेड कलर में दी गई है। बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं और स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी डोर्स पर मिलती है। यहाँ पर कोई सेंसर नहीं दिया गया भाई पैसेंजर साइड पर, सिर्फ ड्राइवर साइड पर देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पर भाई लेदराइट फिनिश और साथ ही में भाई रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं रेड स्टिचिंग के साथ। बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी यहीं पर दी गई है। अगर बात करें भाई सेफ्टी फीचर्स की, इसमें भाई आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक। अब मूव करते हैं भाई इंटीरियर के साइड पर। यहाँ पर भाई ड्राइवर डोर के ऊपर आपको चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पर भाई इंटीरियर में, आपको पूरे भाई लेदराइट फिनिश जैसा कि आपको मिल जाती है।
तो भाई कुछ ऐसे मिलते हैं ब्लैक और रेड कलर की स्टिचिंग के साथ, और बीच बीच में भाई थोड़े बहुत रेड के ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी भाई काफ़ी बढ़िया लगी, मैं इस पन्नी को हटा करके आपको दिखा देता हूँ कैसी क्वालिटी इसमें दी गई है। भाई जो फिनिशिंग है ना वो सच में भाई एक जो कंपनी देती है ना तो कंपनी भाई कुछ सोच समझ कर ही देती है। यहाँ पर भाई आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाएगी आगे पीछे करने के लिए और रिक्लाइन को करने के लिए, हाइट एडजस्ट आप मैनुअल कर पाओगे। बात करें यहाँ पर आपको स्पोर्टी पैडल्स देखने को मिल जाएंगे, डेड पैडल भी देखने को मिल जाता है। इसी के ऊपर यहाँ पर भाई हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, साथ ही में भाई आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। इसमें भाई वही सेम हुंडई की देखने को मिल जाती है भाई जो टॉप मॉडल्स में मिलती है। भाई अगर बात करें इसके ओवरऑल इंटीरियर्स की, भाई पूरा जैसा मैंने बताया आपको पूरा ही ब्लैक कलर का डैशबोर्ड और पूरा ही ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। भाई काफी स्पोर्टी फीलिंग आती है, और जो ये देख रहे हो ना आप रेड इंसर्ट्स दे रखे हैं भाई काफी बढ़िया लगते हैं एसी इवेंट्स के सराउंडिंग में। मतलब अगर लिटल अगर थोड़े बहुत ये चलते रहे ना तो ज्यादा सही लगता है, वो ज्यादा ही रेड 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 कर देते हैं ना तो वो एक बढ़िया फीलिंग नहीं आती है। अब जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिनिमल सा रेड देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पर आपको एसी वेंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो हमें स्टेयरिंग व्हील दे रखा है भाई ये पूरा ब्लैक आपको लेदर फिनिश में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में भाई आपको यहाँ पर रेड स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भाई एन लाइन की बैजिंग आपको मिल जाएगी भाई। और इसका स्टेयरिंग व्हील भी नॉर्मल वेन्यू से भाई अलग आता है एन लाइन का स्टेयरिंग व्हील, भाई काफी सही लगता है मेरे को, ये वाला ज्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर भाई आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, साथ ही में आप फोन को पिक और कट कर सकते हो। भाई यहाँ पर आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ ही में भाई यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। भाई एक मेरे को इसमें काफी बढ़िया चीज लगी, यहाँ पर आपको भाई पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं, भाई काफी बढ़िया लगते हैं ये, ओवरऑल आपको एक स्पोर्टी अपील देता है गाड़ी चलाते वक्त। यहाँ पर भाई आपको हेडलाइट से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, इस साइड भाई आपको वाइपर से कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो जैसे ही मैं स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर आपको पूरा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, बीच में यहाँ पर आपको MID मिल जाते हैं जिसमें आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सारी ही आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, भाई सारे कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आजकल भाई आपको रियर की जो सीट बेल्ट है उनकी भी यहाँ पर आपको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। तो भाई जिसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है काफी बढ़िया लगता है भाई देखने में। अब चलते हैं भाई इसके बीच में टच स्क्रीन की साइड, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और ब्लू लिंक की ऐप का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। भाई जो हुंडई की टच स्क्रीन है काफी बढ़िया रहती है जैसा कि आपको पता ही है, और यहाँ पर भाई आपको ऑटोमेटिक IRVM देखने को मिल जाएगा, SOS का बटन मिल जाएगा, और भाई रिकवरी वैन के लिए बटन मिल जाता है, साथ ही ब्लू लिंक का बटन आपको मिल जाएगा। भाई सारे आपको स्मार्ट फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हेलोजन लैंप देखने को मिल जाता है, अगर LED होती तो भाई काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और जो भाई इसका सनरूफ है वो भी काफी आपको डिसेंट स्पेस में देखने को मिल जाएगा। एक बंदा ही निकल सकता है और छोटा बच्चा निकल पाएगा, तो ठीक ही है भाई अगर आपको सनरूफ का मजे लेने हैं, थोड़े बहुत फोटो वोटो खिंचाने तो उसके लिए सही रहेगा। यहाँ पर आपको भाई पूरा ब्लैक कलर का रूफ देखने को मिल जाता है, काफी सही लग रहा है। और जैसा कि इसमें आपको भाई 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कर्टेन एयरबैग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड के एयरबैग और यहाँ पर ड्राइवर साइड के एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको भाई सीट्स में भी एयरबैग देखने को, स्क्रीन के साइड में यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ग्लोसी ब्लैक की फिनिश दी गई है यहाँ पर, उसी के नीचे यहाँ पर आपको भाई एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रियर डिफोगर का बटन, फ्रंट डिफोगर का बटन देखने को मिल जाता है, साथ ही में भाई यहाँ पर आपको USB की कनेक्टिविटी, एक 12 वोल्ट की भाई पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, साथ ही में भाई टाइप सी के एक फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया भाई जो आजकल टाइप सी दे रहे हैं ना कंपनी वाले, काफी सही रहता है। यहाँ पर आपको भी वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है, साथ ही में जो इसका गियर लीवर है भाई यहाँ पर भी आपको रेड एक्सेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एन लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको और ड्राइव मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप उसको देख सकते हो, जैसे मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में लगाया तो भाई पूरे रेड कलर की इल्यूमिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये इको मोड और साथ ही में नॉर्मल मोड, ये तीन मोड इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भाई आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, सॉफ्ट फिनिश दी गई है यहाँ पर, इसी के नीचे आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, इसी के आगे दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भाई छोटी मोटी आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाती है, इसी के नीचे भाई यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट भी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो रेड कलर की इल्यूमिनेशन आई है, बहुत हल्की हल्की, भाई रात के टाइम पे काफी बढ़िया एक व्यू देगी।
और यहाँ पर भाई आपको ग्लोव बॉक्स में भी ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात करें अगर यहाँ पर पैसेंजर साइड पर वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, माइक की प्लेसमेंट मिल जाएगी यहाँ पर, और ड्राइवर साइड पर टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं भाई रियर साइड पर, ये सीट है मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आपको वेन्यू में स्पेस देखने को मिल जाता है रियर सीट्स के ऊपर। रियर सीट्स में यहाँ पर आपको तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं भाई, काफी बढ़िया फीचर दिया गया है यहाँ पर, ये आइसोफिक चाइल्ड माउंट दिए गए हैं, और जो भाई रिक्लाइन एंगल है वो भी भाई काफी सही दिया गया भाई हुंडई वेन्यू के अंदर। भाई अब आ गया वेन्यू की रियर सीट्स के ऊपर। अब भाई जैसा कि इसमें जो पूरा ही इंटीरियर है वो पूरा ब्लैक कलर का आता है एक स्पोर्टी टच के लिए, तो भाई जो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग आ सकती है। अगर बात करें लेग स्पेस की, भाई सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो भाई आपको सिर्फ ठीक ठाक ही स्पेस देखने को मिल जाएगा। जो मेरे पैर है भाई यहाँ पर नीचे टच होने लग गए हैं, इसके नीचे स्पेसिंग तो मिल जाती है पर पैर मेरे यहीं पर टच हो जाते हैं, तो यहाँ पर लेग रूम आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको सराउंडिंग में रेड कलर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही भाई कितनी बढ़िया चीज दी है, दो टाइप सी दिए गए हैं पीछे, एक इस वाले बंदे के लिए और एक इस वाले बंदे के लिए, भाई कोई लड़ाई नहीं होगी भाई मैं फोन चार्ज करूं या मैं फोन चार्ज करूं, तो काफी बढ़िया काम करते हैं भाई हुंडई, दो दोस्तों में लड़ाई नहीं होने देती है। यहाँ पर भाई आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, और तो भाई पीछे कुछ ज्यादा चीजें है नहीं भाई, ओवरऑल जो बैठने की जो भाई रिक्लाइन एंगल है वो भी बढ़िया है, बढ़िया लगा भाई मेरे को रिक्लाइन एंगल, थाई सपोर्ट भी सही है, बस मेरे को भाई लेग स्पेस इसमें थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिला, कुछ ज्यादा खास यहाँ पर मिलता नहीं है। अब चलते हैं बूट की साइड पर, दिखाता हूँ कितनी क्या कुछ आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ से बूट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर भाई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग देखने को मिल जाती है। अगर बात करें भाई यहाँ पर हुंडई वेन्यू के बूट स्पेस की, भाई जो कंपनी कहती है वो भाई यहाँ पर आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही भाई यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, पार्शल ट्रे, और यहाँ पर भी आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो भाई स्पेस है एक 4 मीटर के अंदर जो गाड़ी आती है उसके हिसाब से भाई काफ़ी सही दिया गया है, और जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। अब चलते हैं भाई इसके इंजन की साइड पर, भाई जो इसकी मेन यूएसपी है, मतलब एन लाइन जिस लिए कहला रही है भाई, ये इंजन के लिए कहला रही है। अगर बात करें इंजन की, इसमें आपको भाई 998 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई 3 सिलेंडर इंजन है। भाई यहाँ पर इंजन को देखकर एक काफ़ी बढ़िया फीलिंग आ रही है। बात करें पावर की, 118.4 bhp की पावर देखने को मिल जाती है, 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और टॉप स्पीड भाई जो कंपनी क्लेम करती है 165 किलोमीटर पर आर की स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है। माइलेज की बात करें भाई 18 kmpl की माइलेज तो भाई कंपनी बोल रही है, तो इसकी एवरेज वगैरह तो भाई कुछ नहीं आएगी। और भाई 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है इसमें, तो एवरेज के लिए भाई इस गाड़ी कोई खरीदेगा नहीं भाई, ये परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी है, ऑप्शन रह जाता है अगर किसी को भाई परफॉर्मेंस चाहिए वेन्यू के अंदर, तो भाई इस गाड़ी को कंसिडर कर सकता है। एक यंगस्टर्स के लिए गाड़ी है ये, उसके लिए भाई काफ़ी बढ़िया है, इंस्टाग्राम पे भाई रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ यूट्यूब के ऊपर, भाई एक बढ़िया एक जो लुक है, लुक के साथ साथ सारी चीज़ें जो भाई एक मिल रही है इस गाड़ी के अंदर, वो एक काफ़ी बढ़िया पैकेज है।